knockout in the favor of blue. Agar is the winner. Thank you, yaar. Congratulations, my boy. आपका भाई? मैं पहले ही आ गया था, बाहर था, अंदर आने में काफी टाइम लग गया, वहाँ ट्रैफिक जाम था ना। ओ पापा, कितनी बार बताऊं, क्यों वो डिब्बा गाड़ी चलाते हो, नई गाड़ी ले लेनी चाहिए ना। Hey Raghav, you did a great job, man. Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा। सर, ये मेरे पापा हैं। हेलो हेलो पापा, ये मिस्टर विनायक है, गो कैब्स के सीईओ, प्लस मेरे स्पॉन्सर भी। वंडरफुल, दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। यो तो मेरा सपना भी बॉक्सर बनना था सर। ये क्या कह रहे हो तुम? पापा का बिजनेस है, उनके खुशी के लिए मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया, और राघव जैसो के अचीवमेंट पे बहुत खुशी होती है। That's wonderful. God bless you. Thank you, sir. शांति दीदी ने जो नेकलेस पहना हुआ था, अच्छा था ना? शादी बहुत ही अच्छी थी। हाँ जी। अरेंजमेंट भी लाजवाब था, बहुत अच्छा लगा। सही कहा। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी, क्या हुआ, कुछ बोलो भी। क्या कर रहे हो तुम? गहने उतारे कबूल, चुपचाप अपने गहने उतारे और मुझे दे दे। बोल, जल्दी बोल, गहने उतारे कबूल, मेरे हवाले करके बोल, जल्दी बोल। वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बजे पापा और बेटा नाइट ड्राइव। वाओ, कुछ तो मिसिंग लग रहा है पापा, आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं है, कुछ परेशानी है क्या? नहीं ऐसा। Yeah.
राघव राघव, मैं जो बताने वाला हूँ सुनकर शायद डर लगे, बट एज ए डॉक्टर बताना जरूरी है। एक्सीडेंट में ब्रेन और आँख को कनेक्ट करने वाली ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है। इस कंडीशन को मेडिकली ऑप्टिकल ऑट्रोफिन कहते हैं। अब फ्यूचर में आपको ऐसे ही दिखाई देगा, दो फीट से ज़्यादा दूर आप देख नहीं पाएंगे। टेक केयर, आई एम सॉरी। Shall we go? लेजर या किसी और तरीके से क्योर नहीं कर सकते क्या डॉक्टर? नहीं, शायद फ्यूचर में क्योर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट आ सकती है या नहीं भी आ सकती। इसके बाद ये ऐसे ही रहने वाले हैं। हम लोग उससे अभी मिल सकते हैं क्या? ओ यस, जरूर। कौन है? डॉक्टर मैं हूं यार। अरे तू, अरे पापा कैसे हैं? मधु, मधु पापा को क्या हुआ? कोई कुछ बताएगा? पापा को क्या हुआ? मधु, मधु, मधु बोलो, मधु। मैं इंस्पेक्टर मुकीम हूँ, सिटी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। मुझे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, इस पर एक साइन करना होगा, एक्सीडेंट केस के लिए जरूरी है। दो दिन पहले भी मैं आया था लेकिन उस वक्त ये होश में नहीं थे। ये एक्सीडेंट एक हादसा था या फिर किसी की साजिश? आपको किसी पर शक है? ओके, आप इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। राघव से साइन ले लिया है सर। उसको मर्डर के बारे में कुछ पता है? नहीं नहीं सर, वो इसे एक्सीडेंट ही समझता है। उसे कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ होगा तो बताना। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। अभी आप घर जा सकते हैं लेकिन रेस्ट की बहुत जरूरत है। ब्लर दिखने वाली चीजों को घूर के मत देखिएगा। नेक्स्ट वीक इन्हें चेकअप के लिए फिर से लाना होगा। बीते हुए पल वो सभी घर याद अगर आ जाए, दिल को भला कैसे कोई मेरे यारों फिर समझाए। जिसके संग सपने सजे वो साथ अगर छूट जाता है, कुछ रहे फिर पास नहीं इंसान ही। No crying, okay? Not to worry. पापा, ये सब झूठ है ना पापा?
आप फिर से आ जाओगे ना पापा? ये सब सच नहीं है ना? प्लीज पापा, मैं अकेले नहीं रह पा रहा हूं। इसके बाद मैं आपको कोई कंट्रोल नहीं करूंगा। आप पुराना ही फोन यूज कीजिए, बालों को डाई भी मत करना। पद्मिनी में चलते हैं पापा। एक बार भी मैंने अपनी पद्मिनी को धक्का नहीं दिया पापा। एक बार जाना चाहिए आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे। मुझसे नहीं हो रहा है पापा। आपको एक बात पता है पापा, मैं बॉक्सिंग नहीं कर पा रहा हूँ पापा। 2 फुट से आगे देख नहीं सकता। अकेले घर में अंधे की तरह रह रहा हूँ। प्लीज पापा, मुझे छोड़ के मत जाइए। मुझे छोड़ के मत जाइए पापा, प्लीज पापा आ जाइए पापा, प्लीज पापा, प्लीज पापा आ जाइए पापा, प्लीज पापा आ जाइए। जिसके संग सपने सजे वो साथ अगर छूट जाता है, कुछ रहे फिर पास नहीं, इंसान ही लुट जाता है। चलो बाहर चलते हैं। नहीं चलूंगा। तू 2 फुट से आगे देख नहीं सकता, इसीलिए ना? 2 फुट तो देख सकता है ना? चलो। मेरा मूड ठीक नहीं है मधु। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती राघव। बॉक्सिंग रिंग में तू मार खाकर गिर जाता था, लेकिन फिर दोबारा उठकर जी जान से लड़ता था, तो वही राघव है ना? ये लड़ाई भी वही है। बस अब उठ जा, उठ जा। यादें कुछ यादें हैं ऐसे, साथ ना छोड़े कभी। हाथ वही है हाथ जो ये साथ ना छोड़े कभी। जिसके संग सपने सजे वो साथ अगर छूट जाता है, कुछ रहे फिर पास नहीं, इंसान ही लुट जाता है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बेटा, चीयर अप। अब मैं ठीक हूं। तुम और कितने दिन यहां पर रहोगी? जाओ घर जाओ। मैं घर पे बता चुकी हूँ, इट्स ओके। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। नमस्ते सर, मैं भीष्मनगर सिमेट्री से आ रहा हूँ सर। ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट डिलीवर करना है। ठीक है, तो चंद्रमौली सर को ही दे सकता हूँ, इससे उनके सिग्नेचर चाहिए। आप उनको बुलाइए सर। अंकल को कैसे बुलाऊं? डेथ सर्टिफिकेट किसका है सर? पिछले महीने 19 तारीख को किसी भैरवी की डेथ हुई थी, उन्हीं का सर्टिफिकेट है। भैरवी? नहीं नहीं, हम लोग किसी भैरवी को नहीं जानते। अच्छा सर, चंद्रमौली सर का घर यही है ना? हाँ है, तो उन्हीं को बुलाइए ना सर। देखो भाई, उनको गुजरे 2 हफ्ते हो चुके हैं। डेथ हो गई सर। ठीक है सर, तो फिर आप ही साइन करके ये सर्टिफिकेट ले लीजिए। ए, कहा ना किसी भैरवी को हम नहीं जानते, तो साइन क्यों करूं? सर, केयरटेकर की हैसियत से चंद्रमौली सर ने साइन किया था, आप खुद ही देख लीजिए, ये उन्हीं का साइन है ना सर। मैंने उन्हें बताया था कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में 10-15 दिन लग जाते हैं, आज वही आया है, तो मैं ये सर्टिफिकेट खुद लेकर आ गया सर। ये पापा का ही साइन है। वो अंकल की दूर के रिश्तेदार तो नहीं है यार? नहीं। या फिर मम्मी की साइड के? मम्मी पापा की शादी होने के बाद माँ के साइड से कोई हमें देखने भी नहीं आया। लेकिन किसी को भी बताए बिना राम अंकल से बात करनी होगी। राघव बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम अब सिर्फ 2 ही फुट देख। भैरवी कौन है?
के बाद पापा ने उसका अंतिम संस्कार किया था, वो भैरवी। राघव अभी तुम घर पर जाओ, मैं बाद में बात करता हूं। नहीं अंकल, मुझे जानना है, पापा ने हमसे भी ज्यादा आपके साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर की हैं। अंकल प्लीज, अंकल बताइए। लड़की के बारे में कई बार मुझे बताया, ज्यादातर मैं और वो ट्रेन में ही सफर करते थे। ट्रेन में? हाँ बेटा, पर वो चाहते थे कि इस बारे में तुम्हें पता ना चले, वरना तुम दुखी हो जाओगे। हाय रामू, अभी तक यहाँ बैठकर बुक पढ़ रहा है, मुझे तो लगा तू चला गया होगा। What happened? तेरा बेटा तो तुझे नई कार दिलवाने वाला था ना? हाँ तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि नई कार आए तो मैं उसी से जाऊं। ए, मेरी पद्मिनी के बारे में तू अच्छी तरह जानता है, वो रुक रुक कर चलेगी लेकिन मुझे कभी नहीं रुकेगी। तुझे पता है दो दिन पहले पेट्रोल पंप पर यू नो व्हाट हैपेंड? रुक गई? नहीं, रोक दिया गया। सारे टायर्स की हवा चेक करो। ओके, हाय। हाय। मेरा नाम भैरवी है। अच्छा है। आप? मैं चंद्रमौली। हेलो। हेलो। आपकी कार बहुत अच्छी है। क्यों, इसे पहले भी देखा है क्या? नहीं। तो क्या इसका कलर पसंद आ गया? हाँ। अच्छा, यू सी मेरे पास जितनी भी पुरानी चीजें हैं मैं किसी को बेचने वाला नहीं हूँ। मिस्टर चंद्रमौली जी, कुछ कहूँ बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, अगर आप ये गाड़ी ऑनलाइन बेचने का प्लान बना रहे हैं तो मैं सोचूंगा भी नहीं। 20-25,000 भी नहीं आएगा। नहीं आएगा? हाँ। हाँ। अगर मैं 1,00,000 रुपए दूँ तो आपको मंजूर होगा? तुम्हारे पास नोट छापने की मशीन है क्या? हाँ? ये मेरी गाड़ी है ना? हाँ? ये मेरी गाड़ी नहीं है। ओके डोके, थैंक यू, वेलकम वेलकम। चल जा, चल चल चल, पद्मिनी नाक कटवाएगी क्या? मिस्टर चंद्रमौली, अब क्या हुआ? आपकी गाड़ी की एक फोटो ले लूं? अच्छी है। ओके, थैंक यू, यू आर वेलकम। अब विथ योर परमिशन क्या मैं जा सकता हूँ? फोटो भेजूं क्या? कैसे? व्हाट्सएप? अच्छा, मोबाइल में? दरअसल मेरे फोन में मुझे कुछ आता नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है। लगता है मेरे पास जो भी है सब कुछ ले लेगी ये। ये आप क्या कर रही हैं? ये क्या है? ये मेरा नंबर है। आपका नंबर? जब भी गाड़ी बेचने का ख्याल आए तो हाँ, कॉल मी। क्यों क्यों क्यों? मुझे आपकी गाड़ी बहुत पसंद है। अरे अरे, पर कैसे पता चला? आपका नंबर मैंने सेव कर लिया है। उसके ठीक 4 दिन बाद उस लड़की ने तुम्हारे पापा को फोन किया। हेलो, यस मिस्टर चंद्रमौली, यस स्पीकिंग, हाय मैं भैरवी। कौन? उस दिन पेट्रोल पंप पर आपकी गाड़ी खरीदने के बारे में बात की थी। तेरे कार की कीमत 1,00,000 रुपए? यस 1,00,000। हाँ मिस्टर चंद्रमौली। कौन? अरे ये तो वही, ओके। कौन है बे? कौन है? हाय हाय, आप यहाँ क्या कर रही? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ ट्रेन पकड़ने आया हूँ। पद्मिनी सर्विस स्टेशन में छोड़ा है। आपका सर्विस स्टेशन रेलवे स्टेशन का पार्किंग लॉट है? आहा, देख लिया। हाँ देख लिया। पद्मिनी की मर्जी हो तो चलती है, वरना यहाँ आकर रुक जाती है, फिर मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के ऑफिस चला जाता हूँ और यहीं से रिटर्न। काफी पुरानी हो गई है ना? क्या कहा, मेरी पद्मिनी पुरानी हो गई? अच्छा बताइए आप इस उम्र में कितना चलती हैं? 10 किलोमीटर। मैं इस उम्र में 12 किलोमीटर चलता हूँ। पद्मिनी की थोड़ी उम्र हो गई है इसलिए यहाँ तक ही आती है। मैं अभी ओके कहकर उसे यहीं पार्क कर देता हूँ, ज्यादा स्ट्रेन नहीं डालता हूँ। ट्रेन आ गई। क्या आ गई? ट्रेन आ गई। हाँ आ गई। ट्रेन आ गई। बाय बाय। सर बैंक से लोन चाहिए था, वो पिछली बार बताया था ना आपको। तुम्हारा नाम नीरव मोदी है क्या?
कितनी बार बताऊं सर, मेरा नाम स्वामीनाथन है। हाँ, पता है, इसीलिए मैं तुम्हें लोन नहीं दे सकता। ठीक है सर। तो बैंक में काम करते हैं आप? अरे ये क्या, आप छुप छुप कर मेरी बात भी सुन रही हैं? हाँ थोड़ी बहुत। हाँ मैं बैंक में काम करता हूँ, और तुम? मैं गरुड़ा कॉल टैक्सी में अकाउंटेंट हूँ। इससे पहले तो कभी तुम्हें ट्रेन में नहीं देखा? पहले टीकम नगर में रहती थी। अच्छा? अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। आज मेरा जॉइनिंग डे है। वेरी गुड, बेचारे वो लोग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप गहरी होती जा रही थी, जिसे मैं महसूस कर रहा था। हेलो, अब तक हेलो, नाम सेव नहीं किया। ओ भैरवी, सामने देखो ना। कहाँ कहाँ? मिस्टर चंद्रमौली। अरे हाय, सामने होकर फोन कर रही हो। मिस्टर चंद्रमौली, मेरे पीछे ब्लैक शर्ट पहने एक लड़का बैठा है। कहाँ है? कौन वो जो पीछे बैठा है? अपने बारे में क्या सोच रहा है? अपने बारे में? वो क्यों अपने बारे में सोचेगा, हम क्या उसके बारे में सोच रहे हैं? नहीं ना। किस्मत वाले हैं, एक बूढ़ा आदमी छोटी बच्ची के साथ मजे कर रहा है। कौन बूढ़ा? तुम। और छोटी बच्ची कौन? ऑफ कोर्स मी। सपने में? सपने में नहीं, सच में। हाँ, किसे लगी है ये यंग बीमारी? ऐसी बात नहीं है क्या? कौन सी बात? मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की को भगाने की नहीं सोचते हो? ऑफ कोर्स सोचता हूँ। हाँ? मगर कोई मिलती ही नहीं। अब रिवर्स गियर डालकर कहता है नो स्पॉन्सरशिप। कोई बात नहीं, कहे तो मैं ट्राई करूँ। किसके लिए? स्पॉन्सरशिप के लिए। हाँ, स्पॉन्सरशिप। कल सुबह करुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी अलगर से उसकी व्हाट मीटिंग फिक्स करा देती हूँ, उसे भेज दीजिएगा, स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। और अगर नहीं मिली तो? मिल गई तो व्हाइट बालों को काला करना होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं होना चाहिए, तो ब्लैकमेल है। अच्छा ठीक है, पापा को फोन करो, वो खुश हो जाएंगे। घर चल के बताते हैं। नायन ड्रेस ओके? राघव को ये सब पसंद है क्या? नो, पसंद नहीं है। व्हाट? कहा ना उसको पसंद नहीं है। कह रहा था इवनिंग में कोई बहुत बड़ी पार्टी थी। यू वॉन्ट टू सी? हाँ। It was really a beautiful party, but thank you for that. Thank you कि formality छोड़कर तुम भी आ जाओ ना, अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कह सकते? अरे रे, वो तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। It's very easy. How? बोलिए, तुम आ जाओ। Oh, okay. तुम आ जाओ। हाँ? मत आओ। शाम को एक छोटी सी पार्टी है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप आ सकते हैं क्या? आ सकता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक्स लेता ही नहीं। पार्टी का मतलब सिर्फ पीना नहीं होता, साथ खा भी सकते हैं। खा सकता हूँ, वो मैं बहुत अच्छे से करूँगा। ऑल राइट, लेकिन कहाँ? हाय। हाय, दिस इज फॉर यू। वाओ, थैंक यू। वेलकम। लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। मैंने हैप्पी बर्थडे बोला ही नहीं। पार्टी देकर स्पेशल गेस्ट बनाकर इनवाइट किया तो बर्थडे ना होने पर मैं गिफ्ट भी नहीं दे सकता क्या? ये तो है। वेरी फेयर। ये तो हम घर पे भी खा सकते थे, आपके घर पर। तुम्हारे घर? ओह सॉरी, तुम्हारे घर पर डिनर हम दोनों खा सकते थे। हाँ, पर डॉगीज डिस्टर्ब करते। ओह, तुम्हारे घर पे इतने डॉगीज हैं क्या? घर पर नहीं, फिर बाहर पास के घर में, पड़ोसी के घर पर। ओह, दोस डॉगीज, उन्हें भोंकना है तो भोंकने दो। आप दिखने में बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं। रियली? इनफैक्ट आपकी गाड़ी खरीदने का रीजन भी वही था। पापा के पास भी वही मॉडल और सेम कलर की गाड़ी थी, इसलिए खरीदने का मन था। आपसे दोस्ती करने के बाद पता चला कि आपका नेचर भी बिल्कुल मेरे पापा की तरह है। ओके। अब मैं आपको पापा कहकर बुलाऊंगी, ऐसा मत सोचिए। क्या हुआ? Nothing. तुम्हारे पापा को क्या हुआ था? एक्चुअली 5 साल पहले हम लंच कर रहे थे, अचानक पापा को चेस्ट पेन हुआ, हम उन्हें हॉस्पिटल भी ले गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा he is no more. Life is so unpredictable. अचानक से लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अकेले रहने की आदत सी पड़ गई।
ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा बातें करती हूँ? आप भी कुछ बोलिए ना। I'm glad you did. क्या? कैसे? तुम इतना पेन कैसे? ओके, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बैंगलोर जा पाया। ओह, तो फिर बिल आप ही भर दीजिए। स्पॉन्सर मिला मेरे बेटे को, मुझे नहीं मिला। लगता है बारिश आने वाली है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। पर ये सीट तो आपकी वाइफ की है ना? सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस जुड़े होंगे ना मिस्टर चंद्रमौली? कम हियर। चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। ए पद्मिनी, फटाक से स्टार्ट हो जाना प्लीज। क्या हुआ? बारिश आने जैसा लग रहा है, इसलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ तुम्हें। गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं ना? यही कह रहा था। बारिश आई क्यों नहीं? गाना सुन सकते हैं क्या? वो नहीं। क्यों? अरे नहीं, वो डब्बा है, प्लेयर नहीं है। ये सब ये हेयर पिन है, बाल को पीछे करके उसमें जो पिन लगाते हैं। यहाँ से लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट। ओके, बाय। Bye. Good night. Good night. ध्यान से जाइएगा। कुछ तो मुझे होने लगा, फिर तेरी बात से दिल को मेरे तूने छुआ। हर मुलाकात में संग संग तेरे हमेशा, साया मेरा साथ हो, है यही आरज़ू मेरी, हाथों में हाथ हो। तुम्हारे बैंगलोर जाने के 4-5 दिन के बाद रात के यही कोई 10-10:30 बजे तुम्हारे पापा ने मुझे फोन किया। क्या यार, इस समय फोन कर रहा है मुझे? हे, क्या कह रहा है तू? सर, इन्हें मैं जानता हूं, मुझे जाने दीजिए सर। सर, बताएंगे लड़की कौन है और ये हादसा कैसे हुआ? ये मर्डर केस है, जिसका खून है उसका नाम है हैरी। ऑफिस के बाद जब ये घर जा रही थी तभी ये घटना हुई। हम मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। क्या अपराधी को अरेस्ट कर लिया गया है? जी, गो कैब के ड्राइवर को अरेस्ट किया है। और ज्यादा जानकारी मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाऊंगा। सर, गो कैब्स की गाड़ियों में ऐसी घटनाएं लगातार क्यों घट रही हैं? इसके पीछे कारण क्या है? आप सच कह रही हैं, गो कैब से ट्रेवल करने वालों के साथ ये चौथी घटना है। इंक्वायरी के लिए एक अलग टीम बनाई गई है, पूछताछ चालू है, बहुत जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद भैरवी का अंतिम संस्कार तुम्हारे पापा ने ही किया। तेरी बहन का बेटा माधवन ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। उससे मिलना है। पर किस लिए? सब लोगों का मानना है कि भैरवी का खून उस ड्राइवर ने किया है। माधवन से मिलकर किसी सुपीरियर ऑफिसर को ये सारी सच्चाई मैं खुद बताना चाहता हूँ, इसीलिए। हे, अब ये सब करने से क्या फायदा? सर, यहाँ एक साइन दीजिए। उसके बाद मैंने अपने एसआई भांजे से बात की, फिर तुम्हारे पापा डिप्टी कमिश्नर से मिले। भैरवी के केस में दखलंदाजी मत कीजिए। पर क्यों? बात क्या है? मामा, मेरी बात को समझिए, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। डिपार्टमेंट के मेरे सीनियर्स ने जो मुझसे कहा है वही मैं आपसे कह रहा हूं। पर मैंने तुझे बताया ना, वो चंद्रमौली की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन चंद्रमौली नहीं मानेगा। सब खत्म हो जाएगा। हे,
कि अचानक उस रात तुम लोग ड्राइव पे चले गए। उस रात जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि तेरे पापा को मारने के लिए ऐसा किया गया था। अंकल का भांजा कौन से पुलिस स्टेशन में मिलेगा? इस बारे में मुझे ही नहीं, मेरे किसी भी सीनियर ऑफिसर से पूछोगे तो इसका जवाब किसी को भी नहीं पता। तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा तो मैं उन्हें डिप्टी कमिश्नर के पास ले गया, लेकिन उनकी इस मीटिंग के बाद मुझे एक फोन आया और मुझसे कहा गया कि इसमें दखल अंदाजी मत करो, इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता। क्या ढूंढ रहा है? क्या ढूंढ रहे हो? राघव, एक्सीडेंट करने वाले ड्राइवर की एफआईआर को किसी ने उसे करने के लिए बुलाया, इसलिए उसने किया। इसमें उसका एड्रेस है। कौन है? हाँ? कौन? आप लोग कौन है? जी, 20 दिन पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें इनके पिताजी का देहांत हो गया, उसी के बारे में हम बात करने आए हैं। दोस्त, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं 10 सालों से गाड़ी चला रहा हूं पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। उस दिन पता नहीं क्या हो गया था, मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूं मुझे मार डालो, मुझे जान से मार डालो। नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। मैं मणि बोल रहा हूँ भाई। हाँ मणि बोलो। वो राघव अचानक मेरे घर पे आ गया था। कौन? चंद्रमौली का बेटा? हाँ भाई, मैं तो उसे देखते ही शौक हो गया, दिमाग की घंटी ही उड़ गई थी। हाँ फिर? रोने का नाटक करके बेवकूफ बना दिया। तुझ पे डाउट तो नहीं हुआ? अरे डाउट का सवाल ही नहीं। एक मिनट भाई, फोन भूल गए थे। वहाँ बात कर रहा था ना, हमने सब सुन लिया। चल फोन दे। तू क्या लफड़ा करना चाहता है? बोला ना दे। साले को छोड़ना मत। Hey!
उस ड्राइवर ने ही किया। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। क्या आपको किसी पर शक है क्या? इससे पहले जो 4 इंसिडेंट्स हुए थे उनमें से पुलिस ने 3 को अरेस्ट कर लिया, लेकिन एक अभी भी फरार है। तो अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो इस सब के पीछे किसका हाथ है इस बात का हमें पता लग जाएगा। एक के बाद एक होने वाले इंसिडेंट्स को देखा जाए तो सब आपके खिलाफ जाते हैं। 10 दिन में ही इतने सारे। एक मिनट। कट कर दिया। ए राघव, ये न्यूज़ देखी क्या? एक आईपीएस ऑफिसर एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। क्या यार, वो पहले ही 1000 लफड़े में फंसा हुआ है, तू भी ना यार। अरे लेकिन वो कैसे टेक्निकली चीटिंग कर रहा था वो सुन ले। ठीक है बताओ। केरला में सबीर करीम नाम के एक बंदे ने आईएएस एग्जाम में ब्लूटूथ कैमरा को उसके शर्ट की बटन में फिक्स किया और अपने क्वेश्चन पेपर को लाइव कैप्चर करके अपनी वाइफ को भेजा। वहाँ से वाइफ ने सारे आंसर्स बता दिए ब्लूटूथ के जरिए और इसके लिए माइक्रो हेडफोन का इस्तेमाल किया। तो हम क्या करें? उस आईपीएस ऑफिसर की तरह हम तेरे शर्ट के बटन में भी कैमरा फिक्स कर देंगे और फिर ब्लूटूथ के जरिए इसका फोन और मेरा फोन कनेक्ट कर देंगे और कैमरा जो कुछ भी देख पाएगा उसे हम भी देख पाएंगे। 2 फुट के आगे जो कुछ भी तो नहीं देख पाएगा उसे हम तुझे दिखाएंगे। हेलो सर। राघव फोन किया था क्या? हाँ सर। सॉरी ऑफिस मीटिंग में थोड़ा बिजी था। कोई बात नहीं सर, अगर आप फ्री हैं तो सर मुझे आपसे मिलना है। तो फिर घर पे मिल सकते हैं? ओके सर। इस सब के पीछे कोई तो है सर, और उन लोगों का टारगेट आप ही हैं। अभी रिसेंटली जो भैरवी का खून हुआ था उस ड्राइवर को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन वो खून ड्राइवर ने नहीं किया था ऐसा मेरे पापा ने साफ साफ कह दिया था। असली कातिलों को वहां से भगा दिया गया और किराए के लोगों को गिरफ्तार करा दिया। उनमें से किसी एक को बाहर निकाल के अगर पूछताछ करेंगे तो सच्चाई क्या है ये हम पता लगा सकते हैं सर। कोई चांस नहीं है, रेप अटेम्प्ट मर्डर अटेम्प्ट ऐसे वैसे उसके पास 7 सेक्शंस हैं, उसे बेल मिलना इम्पॉसिबल है। भैरवी इंसिडेंट से पहले एक्सीडेंट, रॉबरी और उस लड़की का मर्डर, ऐसे पूरे 3 केस बने हैं सर। रॉबरी करने वाले ड्राइवर खालिद को पुलिस नहीं पकड़ सकी। एक ड्राइवर जिसको बेल मिली है वो आपकी कंपनी में काम करता था ना सर? जो नशे में था उसे तो शायद बेल मिल गई, मैंने उसे बहुत पहले काम से निकाल दिया है। सर मुझे उसका एड्रेस मिल सकता है? सर जरा आप ये एड्रेस बताएंगे क्या? विजय रावपुरम, सीधा जाके राइट मारेंगे, 3रा लेफ्ट उधर उसके पास। थैंक्स। क्या कुमार, ऐसा यहाँ कोई नहीं है सर। 27 साल से मैं यहाँ पर हूँ, इस नाम के किसी आदमी को यहाँ नहीं देखा सर। सर हम SRM कॉलेज के छात्र हैं, फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं हम इन्हें नहीं जानते, मैं 3 साल से यहीं पर रहता हूँ सर। नकली आईडी दिखा के काम पाया था, एक बार मेरे हाथ लग जाए तो बताता हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उधर
कोर्ट का फैसला आने वाला है। पता नहीं क्या जजमेंट आएगा। ऐसा लग रहा है सारे दरवाजे बंद हो गए। अगला कौन फंसने वाला है पता नहीं। अब दूसरा कोई फंसने से अच्छा अगर हम ही फंस जाए तो। मैं समझी नहीं। देखो अब तुम्हारी ऑफिस में कितनी लड़कियां काम करती हैं? मुझे मिलाकर कुछ 50 होंगी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? क्यों? शहर में एक लड़की अकेले गो कैब से नाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, तो हमें ऐसी लड़की की तलाश है जो अकेले ट्रैवल करने की हिम्मत रखती है। तभी इस मसले का हल निकल सकता है और हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपके पास होने वाली 2-3 मिनट की हिम्मत ही हम लोगों की ताकत है। सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, आप रिस्क उठाने को तैयार हैं? मैडम कैब आपने ही बुक की है क्या? हाँ जी। उन्हीं के लिए काम करता हूं। ए, तू यहां क्या कर रहा है रे? क्या हुआ? सब खत्म हो गया भाई। सब खत्म हो गया मतलब? वो आ रहा है, रेडी रहे। 6 फुट के डिस्टेंस पे है। अब 3 फुट मार दे। फिर से आ रहा है। ठीक तो है ना सर? लिफ्ट सर, सर 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 लिफ्ट। राघव
जब मैं अंकल की कार को ठीक कर रहा था तो आंटी का रखा हुआ सामान मुझे डिक्की में मिला, साथ में मुझे ये फोन भी रखा हुआ मिला। जब चेक किया तो पता चला कि ये भैरवी जी का है और उन्होंने अंकल से जो भी बात की वो इसमें रिकॉर्डेड है, तो खुद ही सुन ले। हेलो, सो गए क्या? इतनी जल्दी? No way. तुम कहां पर हो? आज ऑफिस में एक ऐसी बात पता चली जिस पर यकीन ही नहीं कर पाए। क्या हुआ? शहर में गो कैब्स में जो क्राइम्स हो रहे हैं सब सोच रहे हैं कि वो ड्राइवर्स कर रहे हैं। अरे हाँ 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 हाँ, या आई रिमेम्बर। पर ये सच नहीं है। इन सब के पीछे मेरे एमडी अलगर का असिस्टेंट पुरुषोत्तम है। What? मिस्टर पुरुषोत्तम के अकाउंट में कंपनी के अकाउंट से 3-4 लाख रुपए बिना मतलब के ट्रांसफर हुए हैं और वो पैसे गो कैब के उन ड्राइवर्स के अकाउंट में गए हैं जिन्होंने क्राइम किया है। वेट अ सेकंड भैरवी, मैं कुछ समझा नहीं, वो भला ऐसा क्यों करेगा? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इस बारे में बात करने के लिए मैं अपने सीनियर के पास भी गई थी पर... भैरवी क्या हुआ? किसी के भी अकाउंट से किसी को भी पैसा दिया हो, इससे तुझे क्या? भैरवी कौन है वहाँ बताओ? पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत ले, भैरवी को खत्म कर देता हूँ। कौन है वहाँ? ये मर्डर भी बेकार नहीं जाएगा। ए, क्या कर रहे हो? कैब्स क्राइम में गिना जाएगा। ओह माय गॉड, चाबी, कार की चाबी। भैरवी, ओह गॉड, डैमिट, ऑटो प्लीज स्टॉप। चलो जल्दी हटो, मुझे जाने दो। रुकिए, आप आगे नहीं जा सकते, रुकिए, चलिए पीछे चलिए। नहीं, घटना के बारे में अंकल ने हमें बताया क्यों नहीं? एल्गर के असिस्टेंट पुरुषोत्तम का बयान इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, गरुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी अलगर का असिस्टेंट हूँ। अलगर मेरे दूर के रिश्तेदार हैं और उन्हीं के कहने पर इतने दिनों से गो कैब्स में इतने सारे क्राइम्स हुए क्योंकि विनायक उनका कॉम्पिटिटर था, ये उनको पसंद नहीं था और गो कैब्स को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कुछ ड्राइवर्स हायर किए और उन्हीं ड्राइवरों से अलगर ने सारे क्राइम्स करवाए। इस तरह अलगर का काम हो गया और गो कैब्स कंपनी बंद होने की हालत में आ गई। सारे क्राइम और अलगर गो कैब्स वाले ड्राइवर कर रहे हैं और उनकी वजह से परेशानी हमको झेलनी पड़ रही है यार। तो इसका जिम्मेदार केवल अलगर ही होगा। अभी अभी खबर आई है कि पुरुषोत्तम की बॉडी को पहाड़ी वाले मैदान से बरामद किया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और इंस्पेक्टर रवि छानबीन कर रहे हैं। पुरुषोत्तम का खून होते समय अलगर अपने परिवार के साथ दिल्ली गए हुए थे। हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम इसका सामना करेंगे। बिजनेस में मुझसे बदला लेने के चक्कर में जनता के साथ बहुत बुरा किया और अब जनता उससे बदला ले रही है। सच्चाई का पता ना चल जाए इसलिए उन्होंने तुम्हारे पापा को मार डाला। बहुत कमीना है अलगर। मैं भी आपसे वही पूछना चाह रहा था सर, आपका मेरे पापा को मारने का दिल कैसे किया? मार दिया सर आपने। वो जिस कार से प्यार करते थे उसी में। क्या बोल रहे हो राघव? मैं भैरवी कैसे मारी सर, मैं बताऊं आपको? हेलो, सो गए क्या? इतनी जल्दी? नो वे। आज ऑफिस में एक ऐसी बात पता चली जिस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे।
अकाउंट से किसको पैसा गया इससे तुझे क्या? पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत, भैरवी को खत्म कर देता हूँ। कहानी करेक्ट है ना? तू एकदम सही बोल रहा है, लेकिन मुझे एक डाउट है। अगर वो किसी से बात कर रहा था तो तुझे अलगर पे शक करना चाहिए था, फिर मुझ पे क्यों किया? जब लॉरी ड्राइवर की मौत हुई थी उसके बाद उसकी बॉडी उल्टी लटक रही थी, मेरी आंखों को 2 फुट दिखाई देता है, लेकिन मिरर में मैंने तुझे क्रॉस करते हुए देखा, तभी मैं समझ गया तेरा मेरे पापा के खून से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। अगर आप अभी फ्री हैं तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, इस सब के पीछे कोई ना कोई है सर। उस दिन तू ड्राइवर का एड्रेस पूछने के लिए कार से नीचे उतरा था, तभी मैंने तेरे कार में कैमरा फिक्स कर दिया था। उसके बाद तूने जिस किसी से भी बात की वो सब मेरे पास रिकॉर्डेड है। कल मदुराई कोर्ट में फैसला आने वाला है और हमारे पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है, रात तक मामला सलटा के मुझे फोन कर। पता नहीं अगला कौन फंसने वाला है, उस दिन तूने जो प्लान किया वो हमने नाकामयाब कर दिया। वो ड्राइवर हमारे कब्जे में आ गया और पुरुषोत्तम फंसने ही वाला था कि बचने के लिए वो तेरी कार में जा बैठा, वो भी रिकॉर्ड हो गया। दो फीट से ज्यादा देख नहीं सकता और हमें पकड़ने चला था। वो सिर्फ 2 फीट ही देख सकता है, ये तो सच है, फिर भी उड़ बहुत रहा है वो। गरुड़ा टैक्सी से गो कैब्स को ट्रांसफर होने वाले अकाउंट्स मैंने बिगाड़ दिए हैं। अब ड्राइवर पुलिस को अगर ये बयान दे दे कि इन घटनाओं के पीछे अलगर का हाथ है तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, मेरा और आपका मकसद इसी से पूरा हो जाएगा। आप क्या सोच रहे हैं सर? चिंता मत कर, उसके लिए दूसरा रास्ता है। क्या? मेरा नाम पुरुषोत्तम है, गरुड़ा कॉल टैक्सी के एमडी अलगर का मैं असिस्टेंट हूँ। तूने जो कहानी शुरू की थी उसे तो खुद ही खत्म करना चाहता था, इसलिए तूने पुरुषोत्तम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया और उसे फेसबुक पर तूने अपलोड करवा दिया। सब पोस्ट कर दिया, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना सर? उसके बाद जो हुआ वो सब तू भी जानता है। अलगर तो गया, उसके नाम पे एक और खून। मैंने बताया था ना, कॉर्पोरेट वार में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। यहां का यही इंसाफ है। ब्रिलियंट, नॉट बैड। अब क्या करना चाहते हो राघव? मैंने मां को नहीं देखा, लेकिन वो कैसी होगी ये मैंने मेरे पापा से जाना था। मेरे पापा को तू लौटा सकता है? क्या पापा पापा लगा रखा है यार? पापा चाहिए? शिट। राघव उठ जा, राघव। तेरे पापा को मैंने ही मारा, मैंने ही मारा। राघव, move to left. Block. राघव उठ जा, please. Come on, get up. टेक्नोलॉजी। हेलो, कैन यू हियर मी? कौन है? तेरी आइटम है क्या? उस
उसी ने आइडिया दिया, वही होगी। सॉरी स्वीट हार्ट। तुझे दो ही फिट दिखाई देता है ना। इतनी सारी बातें जान गया हाँ? पर तेरा बाप क्यों मरा पता है? और भी आने वाले कई साल ये अवार्ड आपको जीतना है, यही हमारी इच्छा है और हमारी शुभकामनाएं भी। सर, आपने इस अवार्ड को अगले साल जीतने की जो बात कह दी, इससे अलगर साहब को बहुत बुरा लगा। इसी वजह से उसने 10 ड्राइवरों को मेरी कंपनी में हायर करवाया और उनसे क्राइम करवाया ताकि मेरी कंपनी बंद हो जाए। इतने भी बुरे आदमी नहीं है वो, उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा सर। तो फिर हम ऐसा करेंगे। सर, मेरी कंपनी में कंटिन्यूअस क्राइम्स होने चाहिए और इन क्राइम्स का जिम्मेदार अलगर है, यह सबको यकीन दिलाना होगा। कुल मिला के अलगर की कंपनी को बंद करवाना है। कुछ उल्टा तो नहीं होगा सर? देखो, यह कॉरपोरेट की दुनिया है, यहां एक बर्बाद होगा तो ही दूसरा आबाद होगा। ताकतवर ही जीतेगा। एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सोच के जवाब दो। पुलिस के सपोर्ट से मेरा प्लान ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन तेरे बाप ने इसे बिगाड़ना चाहा। भैरवी को मारने वाला कोई गो कैब का ड्राइवर नहीं था, पुरुषोत्तम था। अंकल, बात हो गई ना? विनायक, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहां ऐसा ही होता है। उस दिन तेरा बाप और आस्तूर अंदर कुछ हुआ है सर। तूने छुट्टी मांगी थी ना, जा। सर, अंदर कुछ हुआ है सर। देख, मेरी बात सुन, ज्यादा वफादारी से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, जो कुछ भी मिलेगा मुझसे मिलेगा, अब जा। सोच रहे हैं सर? चिंता मत कर, दूसरा रास्ता है मेरे पास।
विनायक को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करो। गो कैब कॉल टैक्सी में अभी तक जितने भी अपराध हुए हैं उनके पीछे कंपनी के मालिक विनायक का ही हाथ है। पुलिस ने इससे संबंधित सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं जिन्हें वो अदालत में जल्द ही। विनायक मेरी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाया लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेगा। पता चला है कि गरुड़ा कॉल टैक्सी को हमेशा के लिए बंद करने के लिए प्लान किया गया था और इस केस के अपराधी मिस्टर विनायक फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश के लिए जगह जगह छापे मार रही है। ये सूचना हमें पुलिस विभाग से आधिकारिक रूप में मिली है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। क्या किया था विनायक के साथ? मधु। हाँ राघव। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्या करूं? लाइटली स्लाइटली थोड़ा प्यार से पीछे से पुश करोगी तो स्टार्ट हो जाएगी। ओ, तो कार स्टार्ट करके कहाँ जा रहे हो तुम? हे राघव, तू फिर से खुश है, हंस खेल रहा है, ये देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? I'm so happy to see you like this, my boy. जिंदगी में कई बार ऐसा ही होता है, हमें लगता है कि परियों की कहानी में आने वाला कोई पक्षी हमें उठाकर अचानक उड़ने लगा, हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और अचानक से वो हमें नीचे गिरा देता है, फिर दर्द होता है, लगता है कि हम कभी उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस हाल में भी जो उठता है वही होता है विनर, जैसे तुम हो। मैं जानता था तुम फिर से उठोगे। याद है बचपन में मैं तुम्हें हाथ पकड़ के चलाता था, अभी भी मैं तुम्हारे साथ ही हूं बेटा। एक पल के लिए भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना, हर दम तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर मैं चलता रहूंगा। सच कहता हूं बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गया राघव, साये की तरह मैं हर दम तेरे साथ ही हूं। I will always be with you. I will never leave you. I love you so much, my son. I love you, beta.